कोरोना वायरस की वजह से आए संकट के दौरान चीन और अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कभी अमेरिका कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर बुलाता है तो कभी चीन इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस वायरस से फैले संक्रमण के लिए कौन सा देश पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि अमेरिका इसके लिए चीन को जिम्मेदार बताता है तो वहीं चीन दावा करता है कि इस वायरस का ओरिजिन अमेरिका से है। चीन का कहना है कि अमेरिकी सेना इस वायरस को चीन लेकर आई थी और अब इस कड़ी में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि चीन को यह भी पता है कि पूरी दुनिया अब उसे संदेह की नजरों से देख रही है। अमेरिका में यह भी बताया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बीते नवंबर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन के दो वैज्ञानिकों को अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया जिनसे सार्स और मार्स जैसे वायरस जब्त किए गए थे। और अब चीन ने नोवेल कोरोना वायरस के ओरिजिन से जुड़े अकेडमिक शोधों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहां तक कि दो यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी किया गया और फिर उसे ऑनलाइन डिलीट कर दिया गया। और इसके लिए चीन ने बहाना बनाया कि कोविड-19 से जुड़े सभी एकेडमिक पेपर्स का पुनर्परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इसे पब्लिश करने की इजाजत दी जाएगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के आखिरी से ही चीन शोधार्थी अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में कोविड-19 पर अपने अध्ययन प्रकाशित कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़े शोध पर चीन के वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे हांगकांग के एक मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया कि उनकी क्लिनिकल एनालिसिस के प्रकाशन में फरवरी तक ऐसा कोई अंकुश नहीं लगाया गया था। चीन की इस हरकत पर यह सवाल भी गहराता जा रहा है कि आखिर चीन छिपाना क्या चाहता है। रिसर्च पेपर के प्रकाशन को लेकर जिस तरह के नए और कड़े नियम लगाए गए हैं उससे ये जाहिर होता है कि कोरोना वायरस महामारी के ओरिजिन को लेकर बनी राय पर नियंत्रण करने की ये चीन सरकार की एक चालबाजी है जिसकी आड़ में वो कोरोना वायरस से जुड़ी सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहता है। रिपोर्ट भारत तक।